सैमसंग गैलेक्सी F62, ये फुल ऑन स्पीडी वाले फोन की अनबॉक्सिंग चाहिए ना, बस आ ही रहा है, मतलब समझ लो आ ही गया। लेकिन उसके पहले एक बात सुनो, सैमसंग गैलेक्सी F62 का परचेज कर सकते हो सिर्फ 16,898 रुपीज में। भाई कैसे कैसे बता रहा हूँ, बस बस वीडियो में बने रहो, पता चल जाएगा, ठीक है। उसके पहले गाइस सैमसंग ने जो है एफ सीरीज लॉन्च किया था 2020 के बिग बिलियंस डे पे। गैस करो नाम कौन सा है, सैमसंग गैलेक्सी F41 भाई, वन ऑफ द बेस्ट सेलर डिवाइस ऑफ 2020, भूल कैसे सकते हो मेरे भाई। तो इस बार 2021 को सैमसंग ने जो है टारगेट किया है हमारे थोड़े से अल्ट्रा प्रो बंदों के लिए, सैमसंग गैलेक्सी F62। इस बार जो है दोस्तों सैमसंग ने थोड़ा सा अपना प्राइसिंग को बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट फ्लैगशिप फीचर्स के साथ जो है आपको F62 प्रोवाइड भी किया जा रहा है। सैमसंग गैलेक्सी F62 एक्सक्लूसिव भी आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही देखने को मिलेगा, और इसका जो फर्स्ट सेल है ना Feb 22, ठीक है, ठीक 12 बजे, तो तैयार हो जाइए भाई लोग। ऑल राइट गाइस, तो मैं आपको एक बहुत ही कमाल का ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप जो है सैमसंग गैलेक्सी F62 को ओन कर सकते हो बाय जस्ट पेइंग 70%, जिसकी प्राइसिंग होगी लगभग 16,898 रुपीज। ऊपर से आपको एडिशनल 2,500 रुपीज का ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F62 की अनबॉक्सिंग करने के पहले मैं आपको इसके कुछ की स्पेक्स के बारे में बताता हूँ जो इस फोन में ना बेस्ट इन क्लास देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें एक ऐसा प्रोसेसर जो सैमसंग के खुद के फ्लैगशिप फोन्स में यूज किया गया है जिसका नाम है एक्सिनोस 9825। ये जो है ना गाइस 7 nm का प्रोसेसर, और ये जो है एक्सट्रीमली बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर मैं कह सकता हूँ, और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 765 से भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। 7000 mAh की बैटरी, नहीं 7000 mAh की बैटरी, 7 nm के प्रोसेसर पे 7000 mAh की बैटरी, भाई सैमसंग क्या ही कर दिया, मतलब आपका मन भर जाएगा पर आपका दिन खत्म नहीं होगा इसको यूज करते करते। आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है माली G76MP12 GPU गाइस, और ये जो है ना एकदम पावरफुल गेमिंग और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए जो है ना वन ऑफ द बेस्ट GPU देखने को मिलता है। 64 MP का प्राइमरी सेंसर विद सिंगल टेक जैसे फीचर्स, और इतना ही नहीं सोनी IMX682 का सपोर्ट, मतलब अमेजिंग कैमरा एक्सपीरियंस भी इस फोन में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों बहुत हो गई बातें, खोल लेते हैं फोन को, क्विक सा अनबॉक्सिंग में आपको करके दिखा देता हूं। तो गाइस यहाँ पर बॉक्स कंटेंट में ज्यादा कुछ नहीं, पर आपको मेन जो है फोन देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, और सिम जैक टूल्स भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों फोन को सीधा हाथ में ले लिया जाए और इसकी पैकिंग को जो है खोल के देख लेते हैं फोन में किस तरह से हमें जो है लुक देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो है पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, और मेरे पास जो वेरियंट है ये है लेजर ग्रीन, और यहाँ पर जो है ग्रीन और सिल्वर का जो है बहुत ही ऑसम सा कॉम्बिनेशन दिया गया है, और ये जो है गाइस एक ग्लॉसी डिजाइन है। अगर मैं फोन के वेट की बात करूं तो यहाँ पर जो हमें 219 ग्राम्स का जो फोन का वेट देखने को मिल जाता है ना, आई फील कि सैमसंग ने 7000 की mAh की बैटरी के साथ इतना हल्का फोन कैसे बना लिया, ये बहुत ही बड़ा सोचने वाली बात है, एंड दैट्स अ गुड जॉब बाय सैमसंग। सामने की तरफ दोस्तों अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो आपको एक फुल HD सुपर एमुलेट इन्फिनिटी ओ स्टाइल में देखने को मिल जाता है, जिसका साइज है 6.7 इंच का गाइस, और यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशियो की बात करो तो 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो, मतलब पूरा ही आपको ऑलमोस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर गाइस मैं कलर गैमेट की बात करूँ तो 110 का आपको कलर गैमेट देखने को मिल जाता है, मतलब ऑसम एक्सपीरियंस होगा कलर में। और यही नहीं गाइस, यहाँ पर अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो 420 nits का जो है पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली गाइस इस डिस्प्ले में आप जो भी देखोगे ना उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो अलग ही रहेगा, इतना समझ लो। वहीं पर गाइस आपको 7000 mAh का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है, आपको इन बॉक्स जो है 25 W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करो ना गाइस तो इसमें आपको एक्सिनोस का 9825 देखने को मिल जाता है, 7 nm बेस प्रोसेसर है, मतलब बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है। और अगर मैं GPU की बात करूं तो इसमें आपको माली G76MP12 GPU देखने को मिल जाता है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को जो है बहुत ही अमेजिंग करवाए। कैमरा की बात करें तो गाइस इसमें आपको 64 MP सोनी IMX662 का फ्लैगशिप सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं पर गाइस आपको 12 MP का वाइड एंगल, 5 MP का डेप्थ सेंसर और 5 MP का माइक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। वहीं पर फ्रंट कैमरा में आपको गाइस 32 MP का सेल्फी देखने को मिल जाता है। अगर मैं OS की बात करूं गाइस तो इसमें आपको One UI बेस्ड ऑन Android 11 देखने को मिल जाता है। भाई वन हैंड यूजर्स के लिए ना ये अब तक का सबसे बेस्ट OS अगर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं तो, बिकॉज गाइस यहां पर जो है आपको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही अच्छा मिलता है, और इसमें बहुत ज्यादा हैवी UI नहीं होता है,
तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए भी ना जो है ना ये ओएस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इतना ही नहीं गाइस, इसमें आपको जो है नॉक्स सिक्योरिटी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और बहुत ही फ्यू फोन है जिसमें आपको जो है नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है। तो यस, सैमसंग गैलेक्सी F62 में आपको नॉक्स सिक्योरिटी भी अनेबल है। गाइस अगर आप इस फोन के ना नीचे की तरफ ध्यान दोगे तो आपको जो है एक टाइप सी देखने को मिल जाता है, आपको ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, और एक सिंगल फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा लाउड है। लेफ्ट हैंड साइड में गाइस आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम बटन भी देखने को मिल जाता है, और टॉप एंड साइड में गाइस आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। लेकिन फ्रंट में गाइस ये जो फोन है आपका फेस अनलॉक भी सपोर्ट करता है, और ये फेस अनलॉक जो है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और काफी सही तरीके से आपका फेस जो है अनलॉक कर लेता है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो गाइस आपको जो ये फोन है 6GB 128GB वेरियंट में और 8GB 128GB के वेरियंट में अवेलेबल है गाइस। इतना ही नहीं, इसमें आपको जो है एडिशनल आप 1TB तक आपका माइक्रो SD से एक्सपांड कर सकते हो अपने मेमोरी को। और इतना ही नहीं दोस्त, दो आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड प्लस एक माइक्रो SD का स्लॉट देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को उसमें मिल जाता है, जो कि बहुत ही रेयर फोन में मिलता है भाई ये भी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको क्विक सा अनबॉक्सिंग इसमें आपको करके दिखा दिया है। अब इस फोन के प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको एक्सिनोस का 9825 देखने को मिल जाता है। भाई ये ऐसा प्रोसेसर है जिसके बारे में बार बार बोलने को मन करता है, बिकॉज गाइस इसमें जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक, और इस प्राइस पॉइंट में लाइक बेस्ट इन क्लास आपको प्रोसेसर जो है सैमसंग गैलेक्सी F62 प्रोवाइड कर रहा है। इसी एक्सिनोस के मदद से आप देख सकते हो कि लॉक स्क्रीन से कैमरा पे एक्सेस कितना फटाफट हो रहा है। फिर इतना ही नहीं, मल्टीटास्किंग से लेके ऐप स्क्रोलिंग से लेके सब कुछ जो है बहुत ही फास्ट और स्मूथ वे से हो जाता है। GPU की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो है माली G76 MP12 GPU देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल है और आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा अमेज कर देगा। मैंने खुद इसमें काफी सारे गेम्स खेले हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और ये जो गेम्स है आपको मोस्टली सारे गेम्स जितने भी बिग टाइटल्स आपको 60 FPS की गेमिंग जो है आराम से करवा देंगे। एक और बहुत कमाल का फीचर हमें देखने को मिल जाता है हमारे सैमसंग गैलेक्सी F62 में कैमरा सेक्शन में, जिसका नाम है सिंगल टेक शॉट। और गाइस ये जो है ना इस पे आप एक फोटो खींचोगे इसका ये मल्टीपल आपको रिजल्ट लाके देगा। फॉर एग्जांपल छोटा सा आपको क्लिप निकाल के देगा, आपको रिवर्स शॉट लाके देगा, ब्लैक एंड व्हाइट देगा, बूमरैंग देगा, विद म्यूजिक देगा, विदाउट म्यूजिक देगा, मतलब काफी सारे ऑप्शन। बेसिकली आपके एक फोटो को ना लिटरली ये लाइव कर देगा, जिंदा कर देगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट के स्मार्ट अपग्रेड प्लान के बारे में, जिसकी मदद से सैमसंग गैलेक्सी F62 आपका हो सकता है सिर्फ 70% ऑफ इट्स प्राइस, फॉर एग्जाम्पल 16,898 रुपीज में। कैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप लोगों के दिमाग में ये डाउट रहेगा कि भाई ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान है क्या। तो गाइस बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने अपना सैमसंग गैलेक्सी F62 को परचेस किया है फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के अंदर, तो गाइस यहाँ पर ठीक एक साल बाद या तो आप अपने फोन को या तो आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F62 को दे के बेसिकली एक्सचेंज करके बिल्कुल ही ब्रांड न्यू फोन में अपग्रेड कर सकते हो, या फिर गाइस आप जो है अपना बाकी रिमेनिंग अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आपने 70% पे किया था, रेस्ट जो 30% का अमाउंट उसको पे करके फॉर एवर के लिए जो सैमसंग गैलेक्सी F62 उसको आप अपना बना सकते हो। बस दोस्तों अब इफेक्टिव प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपने अपने सैमसंग गैलेक्सी F62 को परचेस किया है विद द हेल्प ऑफ फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान, तो गाइस अपने स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हो, अपग्रेड टू सैमसंग गैलेक्सी F62 बाय पेइंग जस्ट 70%। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले 6GB 128GB वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप अपना स्मार्ट अपग्रेड प्लान को यूज नहीं करते हो, स्टैंडर्ड प्लान पे जाते हो, तो यहाँ पर आपको जो MRP देखने को मिलती है ना वो है 29,999, सेलिंग प्राइस जो है 23,999, कोई भी आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है, और आप सिंपली पे करते हो 23,999। अब गाइस सेम वेरियंट 6GB 128GB हम लोग स्मार्ट अपग्रेड प्लान को यूज करते हैं, तो अगेन गाइस यहाँ पर जो MRP है वो है 29,999, सेलिंग प्राइस आपको देखने को मिलता है 23,999। अब यहां पर आपको जो है फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड ऑफर देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जिसकी MRP लाइक जिसका जो है आपको टोटली 16,799 तक का जो डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब यहां पर प्रोग्राम फीस जो है ना वो आपको 99 रुपीज का देखने को मिल जाता है, और इन शॉर्ट आप पे करते हो 16,898। अब यहां पर पहले वाले में जो है स्टैंडर्ड प्लान में जहां पर हमारा स्मार्ट अपग्रेड प्लान यूज नहीं होता, वहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको जो है नो कॉस्ट EMI 4,000 रुपीज गिर रहा था पर मंथ, बट विद द हेल्प ऑफ फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान आपको जो है नो कॉस्ट EMI मिल रहा है वो है सिर्फ 2,817 पर मंथ। सेम गोस टू गाइस आप नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि आपको जो है 8GB 128GB का जो है आपको वेरिएंट देखने को मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप एक ICICI कार्ड बैंक होल्डर हो तो आपके लिए जो है 2,500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और ये जो है एप्लीकेबल रहेगा आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड EMI ट्रांजेक्शन पर भी। तो गाइस आपको मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, सैमसंग गैलेक्सी F62 एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, एंड गाइस डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगेन मैं आपको यहाँ पर जो है डेट रिमाइंडर करवा दे रहा हूँ, 22 फेब ठीक 12 बजे आप जो है इस फोन को परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे, ठीक है।
तो उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई रहेगी, है ना। एंड अगर ऐसे ही आपको ऑसम कंटेंट पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, सब्सक्राइब मारना आपका ड्यूटी है तो मारिए।